नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शहीद हरि सिंह के पैतृक गांव राजगढ़ पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने शहीद के घर पहुंचकर हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। वहीं मौके पर सीएम ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और शहीद की पत्नी को नौकरी देने का भी वादा किया। और इसी के साथ देखिए पल पल की है खास रिपोर्ट। दर्दनाक घटना हुई है, उस में हमारे भी हरियाणा के दो जवान शहीद हुए, जिसमें एक रामगढ़ गांव के हरि सिंह वो शहीद हो गए, ऐसे एक सिपाही हरि सिंह, और ऐसे एक अटाली गांव फरीदाबाद में हवलदार संदीप वो भी शहीद हुए। और आज मैं दोनों के परिवारों में सांत्वना देने के लिए आया था। हमें इन शहीदों के ऊपर पूरा गर्व है कि देश के ऊपर इन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब इनकी स्मृति में जो भी कुछ हमारे गांव की ओर से डिमांड आएगी, उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ करेंगे। उनके परिवारों की सहायता के नाते से हमारा जो नियम है 50 लाख रुपए की राशि और साथ में किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के अटाली गांव में पहुंचकर शहीद नायक संदीप कुमार को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाकर उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए शहीद होकर संदीप कुमार और हरि सिंह ने न केवल अपने गांव व जिले बल्कि प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है।